आज अहमदाबाद गुजरात में अनायास मेरा RTO सर्कल के पास से निकलना हुआ और मैंने ये जीवन प्रसाद भोजन ने प्रसाद स्वरूप पीरस्ती एक मात्रा संस्था जो जीवन के पोषण के लिए भोजन जरूरी है और वो भोजन को प्रसाद के रूप में मात्र टोकन 20 रुपये में देते हैं। टोकन का एक क्योंकि लोग मुफ्त में देंगे तो ये उनका बिगाड़ करेंगे, तो ये बिगाड़ ना खाने का बिगाड़ ना हो इस हेतु से 20 रुपया टोकन लेते हैं। और ऐसी अभी आज भाजी पाव है, देखो भाजी पाव और पुलाव का दोनों खाना, ये नीलेश भाई जानी है वो ये संस्था चला रहे हैं और अहमदाबाद में शायद 3-4 जगह ऐसी संस्था वो चला रहे हैं और करीबन हर रोज़ 400-500 आदमी को भोजन प्रसाद देते हैं। बाजी पाँव फैंसी, नीलेश भाई आप ज़रा हिंदी में बोलना, आपकी संस्था का हेतु क्या है? और सनातन धर्म में मैं इसको अन्न क्षेत्र बोलता हूँ, इसको हम भूखे का भोजन। आपका शुभ नाम बोलिए। मेरा नाम नीलेश जानी है। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी बंदा भूखा होता है तो उसको भूख शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। जो अन्नदान अपने सनातन में बोला है वो हेतु ये नीलेश भाई बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। ऐसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में 4 काउंटर चलते हैं। पहला है गोता में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर है, वहाँ पे 600 से 800 लोग उसका लाभ लेते हैं। ये सुभाष ब्रिज सर्कल के पास में जेल भजिया हाउस के बाजू में है, यहाँ पे 400 से 500 लोग इसका लाभ लेते हैं। तीसरा काउंटर है सुमेल दुधेश्वर में, दुधेश्वर के अंदर 700 से 800 लोग उसका लाभ लेते हैं। तो करीबन हर रोज कितना लोग ये भोजन प्रसाद? 1800 से लेकर 2000। तो आगे मैंने 400-500 बताया वो गलत था, वो यहाँ पे 400-500 लेते हैं। अच्छा यहाँ पे, ओके। और आपका ये फंडिंग कैसे होता है? फंडिंग ये देखो, ये नीलेश भाई जानी जो है ना, जो मैं हूँ, ये मैं इसको मैनेज करता हूँ। चलाने वाला ईश्वर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताइए आपने। लंबा नहीं किया है कि मुझे दान दो, जो भी लोग देना है वो सामने से आकर देते हैं। और अनामी, बिना अपेक्षा बिना नाम बैनर लगाए हुए यहाँ लोग, और ये बहन जी नीलेश भाई की बहन ही सेवा कर रही हैं। तीन साल से ये सेवा यज्ञ चल रहा है जिसके अंदर लोगों को 30 रुपये में खाना पूरा भरपेट मिलता है, साथ में 33 बहनों का घर चलता है। वाह, 33 मेरे पास परिवार का आप पोषण कर रहे हैं। 33 बहनें हैं मेरे पास जो रोटी अपने हाथ से बनती है, किचन में बहनें काम कर रही है, काउंटर पे जैसे ये बहन खड़ी है वैसे बहन लोगों को हर रोज की रोज रोटी मिलती है, ताज़ा भोजन मिलता है। हाँ, एकदम फ्रेश भोजन होता है, जैसे अपन घर में भी एक समान खाना नहीं खा सकते तो वैसे भी हर रोज अलग अलग चीज़ होती है, दाल चावल है, खिचड़ी है, खिचड़ी। और नीलेश भाई का मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। नीलेश भाई आप अपना नंबर, ये किसी को भी इसमें सहयोग करने की इच्छा हुई तो आप सहयोग कर सकते हैं इसीलिए। और मैं ये संस्था की पब्लिसिटी के नहीं लिए नहीं कर रहा हूँ, जन कल्याण जन हेतु के लिए कर रहा हूँ। नीलेश भाई आपका जो जन सेवा है उसके लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका।